फिर अपने दोस्तों प्रश्न आपके सामने है। 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का मिश्रण है, इस मिश्रण का अनुपात 10:5 है। कितना है? 10:5 है। अब इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात क्या हो जाएगा? 5 लीटर पानी और मिला जाए तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? ये चार ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसको हल करते हैं। देखिए दोस्तों कैसे हल करेंगे, आप अपना आंसर टाइप कीजिए। देखिए दोस्तों इसका पहले मिल्क है और मिल्क और वाटर है, इनका अनुपात कितना है? 10:5 है। 10:5 है तो 10:5 है। अगर इनको कुल को जोड़ेंगे तो 10 × 5 कितना होगा? 15 होगा। और 15:5 किसके बराबर है? 30 के बराबर है। कुल कितना लीटर है? 30 लीटर। तो 30 में से 1:1 बराबर के निकालेंगे तो 15 × 2 = 30, 1:1 बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब इस 2 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2×2 = 20 और 2×5 = 10 होगा। कितना पूरा अनुपात है, ठीक है। अब इसमें अपन 5 लीटर पानी और मिला जाएंगे, है ना, मिल्क को तो कुछ भी नहीं किया, तो 5 लीटर पानी मिलाया तो कितना होगा दोस्तों? ये तो कितना होगा? 20 वैसे वैसे रहेगा और ये 10×5 कितना हो जाएगा? 15। अब इसको काटेंगे कितना होगा? तो 5×2 = 20 और 5×3 = 15, यानी कि 4:3। दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, दोस्तों शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। तो 4:3 कौन सा? सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।